ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੇ हांजी दोस्तों सत श्री अकाल पंजाबी सिंगर ते पंजाब दीआं दो तीन वड्डीआं अपडेट्स लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हाँ। शुरुआत करदे हां पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तो ही सिद्धू मूसेवाला करण औजला दलजीत दोसांझ अर्जन ढिल्लो मैंडी तखड़ ते दोस्तों एक दो होरना स्टारा दा आपां वारो वारी जिक्र करांगे ते शुरुआत करना चाहांगे सिद्धू मूसेवाले तो ही। दोस्तों उस बारे बड़िया ही अहम अपडेट्स ने। पहली अपडेट है कि उसने दोस्तों नवीं थार लै लई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे सन कि शायद सिद्धू ने यह थार किसी चाचे ताए के मुंडे नूं लैके दित्ती है, पर बाद में पता लगा कि नहीं सिद्धू ने यह थार अपने खुद ले ही ली है। सो दोस्तों तुसीं बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजां दा कैप्शन पढ़ सकते हो कि माता इसकी तेल चौंदी चौंदी थक जाती है, पर भरा ने गड्डियां कारां नाल पूरा घर ही भर दिता, पर बाकी दोस्तों बंदे की मेहनत बोलती है। तो दूसरे पास हवेली वह भी मूसा पिंड का ताज मनी जाती है। तो दोस्तों रही गल सैलीब्रिटी किलर गाने की, जो कि फैन हुण यह कह रहे हैं कि वह तां सुपना ही हो गया, पता नहीं आखिर कदों वह गाना रिलीज़ होगा। हाइप भी बहुत ही ज़्यादा है। 5-6 म्यूजिक प्रोड्यूसर ने, 2-3 वीडियो डायरेक्टर ने। पहला कहा जा रहा है 29 तरीक नूं आवेगा, फिर कहा जा रहा है 2 अगस्त नूं आ जाएगा, तो हुण दोस्तों ना ही कोई ऑफिशियल डेट टाइमिंग कोई भी नहीं दस रहा। उम्मीद है दोस्तों 7, 8 या 9 उसके एक करीबी दोस्त मित्र ने ही दसिया है कि इन्ह तिना डेटा विचों एक दिन तो यह सैलीब्रिटी किलर गाना आ ही जाएगा। हाइप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे आर्टिस्टा जवाब भी हो सकते हैं। पहला ही दोस्तों ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, कुछ क्लिप्स भी वायरल हुई ने शूटिंग दौरान दिया ही एक बार फिर। चलो देखते हैं फिर अगर की बनता। तो दोस्तों इतने हम असं जिक्र करना चाहते हाँ करण औजले का, उस बारे भी दो बड़िया ही अहम अपडेट्स ने। पहली अपडेट यह है कि दोस्तों उसकी एक एल्बम का गाना लीक हो गया है। एल्बम का ही दोस्तों गाना है। इस का दावा असी इस करके किया जदों उसकी एक इंटरव्यू हुई सी FM रेडियो दौरान, तो उसने वो गाना लाइव गा के सुनाया सी। ते दोस्तों वही गाना हुण विद म्यूजिक बहुत सारे इंस्टाग्राम पेज वाले ने उसकी रेटिंग भी पूछी है कि गाना लीक हो गया है तुहानूं किदां दा लगा, म्यूजिक नूं लैके लिरिक्स नूं लैके। दोस्तों तुसीं कमेंटां विच देख ही सकते हो। पर दोस्तों हुण गल उही फिर उठ रही है कि आखिर गाने लीक क्यों हो रहे हैं। दोस्तों जो करण औजले दी बैक दा फक अप एल्बम का पहला गाना सी चू गोंडू ऑफिशियल रिलीज़ होने तो पहला ही लीक हो गया सी, आखिर कौन कर रहा है ये सब। सो बाकी दोस्तों गाने दे लिरिक्स म्यूजिक बारे तुसी ही दसना है, पूरा गाना दा सी चलो नहीं चला सकते, पर गाने लीक नूं लैके दोस्तों उसके फैनां विच थोड़ी जिही निराशा सी। उसकी ऑफिशियल टीम भी शायद ना खुशी ही होवे क्योंकि दोस्तों इदा उसनूं काफी माली नुकसान झलना पैंदा है। बाकी दोस्तों तुसी आप ही समझदार हो। तो दूसरी बड़ी ही अहम गल जो करण औजला बोहिमिया माई गेम जे हिंद बारे है, दोस्तों जो उन्हां दा गाना एक यूट्यूब तो रिमूव कर दिता गया सी। उन्हां चारां शख्सां विचों ही एक जाने ने कॉपीराइट स्ट्राइक लाई सी, उसके यूट्यूब चैनल भी दोस्तों वो काफी वड्डा सी। ते हुण गल ए है कि वो गाना वापस आ चुका है। दोस्तों इस बारे बड़िया ही अहम गल्लां सन। पहला जदों गाना ए डिलीट होया सी इस दे भी दो कारण दसे जा रहे सन। एक तो यह कि शायद कि करण औजला ने 84 वाला मुद्दा इस वजह जाहिर किया है, जां जो अमेरिकन रैपर सी उसने जो ब्लैक लाइव मैटर वाला मुद्दा चुकया सी, उस करके दोस्तों दो कारण दसे जा रहे सन गाने डिलीट होण दे। पर बाद विच पता लगा कि नहीं, कारण कोई तीसरा ही सी। इन्हां विचों ही एक शख्स ने कोई लैण देण दे कारण मतलब वध घाट हो गई हो किसी वल, उस करके ही उसने गाना डिलीट कर दिता सी। पर फिलहाल दोस्तों वो गाना वापस आ चुका है। ना ही करण औजला, ना ही बोहिमिया, ना ही जो दो होर रैपर सन इस गाने विच, उन्होंने इस बारे कोई बयान नहीं दिता। तो दोस्तों तुसीं इस गल नूं किदां देखदे हो, अपने विचार तुसीं कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो। तो दोस्तों सिद्धू ते करण औजले नाल भी थोड़ा जिहा सोशल मीडिया से नोक चुक चल रही है कि शायद सिद्धू मूसेवाला बैक द फकअप एल्बम का इंतजार कर रहा है कि मैं बरूबर ही गाना सैलीब्रिटी किलर जिसकी कि हाइप काफ़ी ज़्यादा है रिलीज़ करांगा। तो शायद करण औजला भी सैलीब्रिटी किलर गाने की वेट कर रहा है कि हाँ जदों इस दी एल्बम खत्म होगी उस तो बाद मैं अपने गाने रिलीज़ करांगा। पर दोस्तों 9 तरीक नूं भी सिद्धू मूसेवाले का कुछ वड्डा ही प्रोजेक्ट आ रहा है, पर करण औजला की ऑफिशियल टीम इस एल्बम की ऑफिशियल डेट बारे कोई जानकारी नहीं दे रही। तो दोस्तों तुसीं इन्हां दोनों गल्लां नूं कैसे देखते हो, अपने विचार तुसीं कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो। तो दोस्तों इत्थे हुण असीं जिक्र करना चाहांगे गुरु रंधावा दा, जिसने भी कुछ दिन पहला ही अपनी एल्बम का ऐलान किया है कि 24 घंटे मेरे दिमाग च बस एल्बम के गाने उसका म्यूजिक ही चल रहा है, उम्मीद है तुहानू सब नू पसंद आएगी, बॉलीवुड टच वाली होगी। तो दोस्तों इस तो अलावा उसने दो बड़िया ही अजीब पोस्टा भी शेयर कीतिया ने। इट्स टू लेट नाउ टू रियलाइज वट इंटरनेट हैज डन टू अवर कंट्री, मे गॉड ब्लैस द यूथ एंड देयर पेरेंट्स। एक तो दोस्तों पोस्ट ए होगी, स्टोरी ए होगी, तो दूसरी बड़ी ही अहम स्टोरी इसकी ए सी, वी आर नॉट रियलाइजिंग टू लेट नाउ, आई फील सॉरी फॉर वट
व्हाट हैपनिंग टू द यूथ, इंटरनेट करके कह रहा है जां कोई होर गल है, मतलब पूरी गल समझ नहीं आई। इस दे फैन पेज भी थोड़े जिहे कन्फ्यूज ही दिखे। ते रही गल इस दी एल्बम दी, टी सीरीज इंडिया दी सब तो वड्डी कंपनी शायद उस दे ही लेवल हेठ इस दे गाने आउणगे, फिर तां आपां दोस्तों पहले ही कह सकते हाँ कि गाने हिट ही रहणगे। बाकी देखदे हां कदों रिलीज़ करदा है ये भी अपनी एल्बम। ते दोस्तों इत्थे हुण असीं जिक्र करना चाहुंदे हां अर्जेंटिलों दा, उसने भी अपने नवें गाने दा ऐलान कीता है। ते दोस्तों एक खास गल ये है कि सिद्धू दी ऑफिशियल टीम इसकी देख रेख कर रही है, क्योंकि दोस्तों पहला ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया से कि शायद अर्जन ढिल्लों करण औजला नाल होण करके सिद्धू मूसेवाले नाल उसकी ना बनती हो, बहुत सारिया दोस्तों गल्लां अधीआं सन, पर सानू नहीं लगता। सिद्धू मूसेवाले का फेवरेट म्यूजिक प्रोड्यूसर किड उसके एक गाने का म्यूजिक दे चुका है। इस तो अलावा सिद्धू की ऑफिशियल टीम उसके गाने की ऑनलाइन प्रमोशन करती है। हाँ इदा हो सकता है कि करण औजले नाल उसका मेल वर्ताव वध है, पर इहदा मतलब ये नहीं कि उसकी सिद्धू मूसेवाले नाल बिगड़ी हुई है। पर मेन चर्चा दोस्तों इसके इतने गाने की ही सी। इस ने भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग ही छाप छड़ी है। पिछे देख किसी का प्रेम ढिल्लों नाल भी थोड़ा जिहा विवाद जोड़ के दिखाया जा रहा है, असल में दोस्तों इदा का कुछ है नहीं सी। ते दोस्तों ये गाना गैरी संधू का फेवरेट है, मेन गल असी इतने ये दसना चाहते सी। ते दोस्तों इतने हुण असी जिक्र करना चाहते हैं मेहंदी तखड़ का। दोस्तों उस बारे बड़िया ही अहम गल्लां ने। पहली गल ये उसने स्टोरी पाते हुए लिखा, सक्सैस बिल्डिंग ईगो इन पीपल इज द रॉस्ट काइंड ऑफ फेलर आई सीन इन लाइफ सो फार। मतलब कि जो बंदा सफल हो जाता है उस विच ईगो आ जाती है, पर मेरी निगाह विच वो शख्स फेल है जो इदा का बिहेव करने लग जाता है, मतलब ज्ञान वाली ही पोस्टा। दोस्तों दूसरी बड़ी ही अहम गल कि जो यस आई एम स्टूडेंट फिल्म विच ए लीड एक्ट्रेस रोल प्ले अदा कर रही है। 2 महीने बाद दोस्तों वो फिल्म रिलीज होनी है। वैसे सिद्धू मूसेवाले की डेब्यू फिल्म मनी जा रही थी, पर मूसा जट उस तो पहला रिलीज हो रही है, जबकि बनी बाद विच है। 9 तरीक नूं भी दोस्तों इसे बारे ही चर्चा हो रही है। ते जो इस फिल्म का डायरेक्टर साहब है कुछ दिन पहला उसने भी स्टोरी शेयर की थी कि A to Z कम कंप्लीट है, बस हुण वेट है कि कदों सिनेमा घर खुलणगे। यस आई एम स्टूडेंट फिल्म बहुत ज्यादा ही दोस्तों हाइप है। मेहंदी तखड़ ते सिद्धू मूसेवाला पहली बार वड्डे पर्दे ते इकट्ठे होणगे, ते देखदे आं फिर दोस्तों अगे की बणदा रुड़दा। ते दोस्तों इत्थे हुण असीं जिक्र करना चाहुंदे हां हैप्पी रायकुट्टी, तरसेम जसड़, कुलवीर चिंजर, हरदीप गरेवाल दा। हरदीप गरेवाल दी दोस्तों मेन चर्चा है, उसकी अज एक फिल्म रिलीज हुई है तुनका तुनका। तरसेम जसड़ कुलवीर चिंजर तो दोस्तों पहला तो ही उसकी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। कहने का भाव जो उसका पहला गाना सी तुनका तुनका उसे ते ही आधारित दोस्तों उदां दी ही फिल्म है, वह तरसेम जसड़ के ऑफिशियल चैनल से आया सी। पर इत्थे गल ये है कि अज चलो उसकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई है लॉकडाउन तो बाद, हैप्पी रायकुट्टी ने उसकी सपोर्ट करते हुए यह लिखा, देखण जायो यार आ फिल्म बीरे दी, मेहनत नूं भाग तुसीं लाउणा आ। सो दोस्तों किसी वड्डे लेवल हेठ फिल्म नहीं आ रही, किसी कंपनी नूं नहीं वेची, सब कुछ भरा ने आप ही किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। अज फिल्म रिलीज़ हुई है, सारिया नूं दरख्वास्त भी कर रहा है कि वड्डे पर्दे ते ही देखियो। बेशक दोस्तों तुसीं ट्रेलर ना देखियो, पर इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस बारे तुहानूं सब कुछ पता लग जाएगा कि 2017 तो लैके 2019 तक इस भरा ने की चलिया है। सानू भी लगता है दोस्तों इहोजे कंटेंट की तो वड्डे वड्डे आर्टिस्टां नूं भी सपोर्ट करनी चाहीदी है, वह भी अगे आउण। जे बॉलीवुड कोल आमिर खान है तो पंजाब कोल हरदीप गरेवाल है। मोटिवेशनल ही फिल्म है दोस्तों, 100% गरंटी है तुहानूं पसंद आवेगी। 20 इंटरनेशनल अवार्ड तो यह पहला ही जित चुकी है। यह दोस्तों इसकी स्टोरी ही दस रही है, पोस्ट ही दस रही है। बाकी परमात्मा रंग भाव लावे, मेहनत का भरा ने बहुत ज़्यादा की है। तो दोस्तों अखीर से असं यही दसना चाहवे सैलीब्रिटी किलर गाने बारे ही। कुछ लोग सिद्धू के उसकी ऑफिशियल टीम को यह मैसेज कर रहे सन कि वाकई कितने किड्डे की स्टोरी तो बाद 15 दिन तो नहीं गाना रिलीज़ करता, पर दोस्तों इदा नहीं, 9 तरीक तो पहला ही यह गाना आ जाएगा, बस सबर थोड़ा जिहा होर करना पैना है। किड नहीं बल्कि स्टील बेंगल्स इस गाने से ज़्यादा कम कर रहा है, उसका ज़्यादा म्यूजिक है, 6 म्यूजिक प्रोड्यूसर ने, तो चलो गल दोस्तों अलग तो रहेगी। हाइप बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो गई है। तो देखते हैं पर दोस्तों कि की बनता रड़ता। तो दोस्तों एक निकी जी रिक्वेस्ट ABC पंजाबी पुंटर लाइव जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसते असी गेमिंग रिएक्शन से ब्लॉग वाली वीडियो लैके आ रहे हाँ। जो हो सकता तो उस चैनल में, तो इस चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद।